ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव के गोचर के बारे में। सूर्यदेव को ज्योतिष में राजा की उपाधि प्राप्त है और हम सब के लिए सूर्यदेव कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये हम सभी जानते हैं। सूर्यदेव को पिता, हृदय, सरकार, प्रशासन, राजनीति का कारक माना गया है। यदि सूर्यदेव हमारी जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं तो यश, मान, कीर्ति, कामयाबी और परिवार का पूरा सहयोग हमें प्राप्त होता है। सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है मार्च 14, 2020 को मीन राशि में। सूर्यदेव एक राशि में एक महीने तक रहते हैं। सूर्यदेव के गोचर का प्रभाव विभिन्न राशियों और भावों में अलग अलग होता है। किसी भी गोचर को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न दोनों से ही आंकलन कर सकते हैं। तो यदि किसी जातक की चंद्र राशि से शुभ प्रभाव आ रहे हैं और लग्न से मध्यम या अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो फिर आपको मिले जुले रिजल्ट उस गोचर में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एरीज राशि से। एरीज राशि में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके 12वें भाव में स्थित रहेंगे। सूर्य का 12वें भाव में गोचर आपको थोड़ी सी मानसिक तनाव दे सकता है। आपके प्रेम संबंधों में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस की संभावनाएं हो सकती हैं। इस समय पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आप ना करें। अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से भी थोड़ी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इस समय पर आपके अपने खर्चों में वृद्धि हो सकती है। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। आपकी नींद में भी रुकावटें आ सकती हैं। इस समय पर अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि में सूर्यदेव चौथे घर के स्वामी होते हैं और इस समय वो रहेंगे आपके 11वें भाव में। ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपकी कार्यस्थल पर आपको प्रसिद्धि मिलेगी। प्रमोशन और धन लाभ के अवसर बनेंगे। बिजनेस और प्रोफेशन में लाभ होगा। अपने संतान से भी आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। यात्राओं से लाभ होगा और आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने की भी स्थिति बनेगी। यदि आप किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हैं तो आपके लिए ये पीरियड बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि में सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके 10वें भाव में स्थित रहेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको सफलता मिलेगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। काम से रिलेटेड ट्रैवल्स भी आपके होंगे जिनसे आपको लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। लेखन और सोशल मीडिया इंटरैक्शन से भी आपको लाभ होगा। माता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर्स और बिजनेस पार्टनर्स से भी रिलेशंस अच्छे रहेंगे। आपको कम परिश्रम करने पर भी ज़्यादा लाभ होगा। परिवारजनों के साथ यात्राओं के भी योग बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। लंबे समय से जो काम आपके रुके हुए हैं वो भी बनेंगे। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए भी ये अच्छा समय रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि में सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके 9वें भाव में स्थित रहेंगे। सूर्यदेव का ये गोचर आपके भाग्य स्थान पर हो रहा है जो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आप में हॉबीज और क्रिएटिव इंटरेस्ट को भी बढ़ावा देगा। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में भी विचार करेंगे। शेयर्स और स्पेकुलेशंस के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। फाइनेंशियली भी ये समय थोड़ा परेशानी दे सकता है। व्यर्थ के खर्चों से बचें। पिता या गुरुओं से भी वाद विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। अपने कुटुंब के सदस्यों से भी तालमेल बनाए रखें। धार्मिक यात्राएं, डोनेशंस और रिलीजियस एक्टिविटीज करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। थोड़ी मानसिक परेशानी भी हो सकती है। यात्राओं के योग भी बनेंगे। ज़्यादा शारीरिक श्रम से भी बचें। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए सूर्यदेव प्रथम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। इस पीरियड में आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी तरह के सीक्रेटिव या अंडर द टेबल जैसे कार्यों से दूर रहें, अन्यथा आपके राज उजागर हो सकते हैं जिसके चलते आपको परेशानी मिल सकती है। इस समय पर आपके व्यर्थ के खर्च भी बढ़ेंगे। कोई भी स्पेकुलेशन या रिस्की कार्य इस समय पर ना करें। कोर्ट केसेस के लिए भी ये समय ठीक नहीं है।
ससुराल पक्ष से भी मनमुटाव से दूर रहें। वाहन चलाते वक्त सावधान रहें। मेंटल डिप्रेशन की स्थिति भी बन सकती है, तो योगा और मेडिटेशन आपको मदद करेगा। गुप्त विद्याओं या ओकल स्टडीज में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। ट्रैवल्स को अवॉइड करें। कन्या राशि। कन्या राशि में सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय ये आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। ये पीरियड आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस स्लो रहेगी। सोशल डीलिंग्स में भी सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी। अपने बॉसेस या कोलीग से भी तालमेल बनाए रखिए। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। अपने बिजनेस पार्टनर्स और स्पाउस से भी रिश्तों में कमी हो सकती है। पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी सी परेशानियां बनी रहेंगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बुखार, फूड पॉइजनिंग, इनडाइजेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। इस समय पर ट्रैवल प्लान्स को अवॉइड करें। तुला राशि। तुला राशि में सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। सूर्यदेव की ये प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अपनी सभी तरह की परेशानियों से आप बहुत ही सहजता से हल कर लेंगे और कॉम्पिटिशन्स में भी आपको लाभ होगा। अपने सुपीरियर्स या बॉसेस से भी आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके सारे प्लान्स में आपको सक्सेस मिलेगी। इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये अच्छा समय रहेगा। परिवारजनों और लाइफ पार्टनर से भी संबंध अच्छे रहेंगे। घर परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। सोशल डीलिंग्स और नेटवर्किंग के लिए भी ये समय अच्छा है। कोर्ट केसेस में भी सफलता मिलेगी और ट्रैवल से भी लाभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। कार्यस्थल में थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। बॉसेस या सुपीरियर्स आपके काम से डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपके शत्रु आपके लिए परेशानियां बढ़ा सकते हैं। अपने कार्यस्थल में वाद विवाद की स्थिति से बचें। संतान पक्ष से चिंताएं मिल सकती हैं। मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। सोशल डीलिंग्स में और परिवारजनों से भी अधिक सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अपनी सेहत के प्रति सजग रहें। अपने टेम्पर पर भी कंट्रोल रखें। ख़ासतौर पर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के प्रति भी सजग रहें। धनुराशि। धनुराशि में सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय ये आपके चतुर्भाव में स्थित रहेंगे। ये समय आपके लिए थोड़ा टेंशन वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में वर्कलोड भी बढ़ सकता है, जिसके कारण सहकर्मी या बॉसेस के साथ नोकझोंक की स्थिति बन सकती है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचें। आर्थिक स्थिति में भी मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी बचत पर भी ध्यान रखें। भूमि भवन वाहन से जुड़े फैसले इस समय पर अवॉइड करें। घर परिवार में अपने डोमिनेटिंग बिहेवियर के कारण मनमुटाव होने की स्थिति बन सकती है। अपनी माताजी से भी तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। मैरिड लाइफ में भी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें। सेहत का भी ध्यान रखें। ब्रीदिंग और चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज पर भी नज़र रखें। ट्रैवल्स इस समय पर अवॉइड ही करें। मकर राशि। मकर राशि में सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके तीसरे भाव में स्थित रहेंगे। ये समय आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सकारात्मकता आएगी। सीनियर्स और कोलीग्स का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। शत्रुओं और कॉम्पिटिटर्स पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। इंक्रीमेंट्स या प्रमोशन के चांसेस भी मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा रहेगा। आप अपनी सभी परेशानियों से निपटने में सक्षम होंगे और एक नई ऊर्जा से हर स्थिति को हैंडल करेंगे। इस समय पर परिवार से पूरा सहयोग भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। संतान पक्ष से भी संबंध अच्छे रहेंगे। सोशल डीलिंग्स और फ्रेंड सर्कल्स में भी आपको प्यार और सम्मान मिलेगा। यदि आप कोई भूमि भवन वाहन बेचने की सोच रहे हैं तो वो काम भी आसानी से पूर्ण होगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ट्रैवल से भी लाभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इस समय पर आप थोड़ी आर्थिक तंगी महसूस करेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्स के जैसे कामों में लॉसेस हो सकते हैं। किसी को इस समय पर ना तो कर्ज दें और ना ही किसी से कोई क्रेडिट लें। परिवारजनों से भी वाद विवाद हो सकता है। सोशल डीलिंग्स और स्पाउस के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। पार्टनर के साथ भी सामंजस्य बनाए रखिए।
सिर दर्द या आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर ध्यान रखें। अपने खान पान पर भी ध्यान दें। ट्रैवल करते समय अपने सामान का विशेष ध्यान रखें और हो सके तो ट्रैवल अवॉइड करिए। मीन राशि। मीन राशि में सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होते हैं और इस समय ये आपके लग्न भाव पे ही स्थित रहेंगे, यानी कि फर्स्ट हाउस में। कार्यक्षेत्र में बॉसेज या कोलीग्स के साथ आपके रिश्तों में खराबी आ सकती है। आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये समय में उतार चढ़ाव रहेगा। आपको अपने कार्य करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अपने स्पाउस के साथ आपके मतभेद भी हो सकते हैं और कले कलेश का वातावरण बना रह सकता है। सोशल डीलिंग्स में और फ्रेंड्स के साथ भी सामंजस्य बनाए रखने के प्रयास करने होंगे। घर परिवार में मानसिक तनाव हो सकता है। अपनी सेहत पर ध्यान रखें। हार्ट, ब्लड प्रेशर, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर भी नज़र रखें। एक्सीडेंट या चोट चपेट लगने से भी सावधान रहें। ट्रैवल्स में खास लाभ नहीं होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस जानकारी का लाभ सभी लोगों को मिल सके। धन्यवाद। सर्वसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।